हम इस वक्त मौजूद हैं राजेंद्र नगर के उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर, जहां कल देर ना एक दर्दनाक हादसे में 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। यह IAS एकेडमी है, जहां पर स्टूडेंट्स जो है वो बेसमेंट में लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। शाम 7 बजे के आसपास दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली कि इस तरीके से एक बेसमेंट के अंदर पानी जो है वो भरना शुरू हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से और फायर की टीम की तरफ से चलाया गया। जिस वक्त ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उस वक्त बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 से 30 स्टूडेंट उस वक्त बेसमेंट के अंदर मौजूद थे। और उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद तकरीबन 3 बच्चों की डेड बॉडीज जो है वो इस पूरे ऑपरेशन में बाहर निकाली गई और तकरीबन बाकी जितने भी बच्चे थे उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया। लेकिन सवाल ये है, सड़क का अगर आप लेवल देखेंगे और उसके बाद इंस्टीट्यूट का लेवल देखेंगे, तो उसमें तकरीबन 2 से 2.5 फीट के आसपास का पूरा एक स्लोप है। पानी जाने का सवाल इस तरीके से आ रहा है कि जब पानी लगातार बढ़ा तो सीवर काफी ज्यादा चौक थे और बेसमेंट के अंदर जो ग्लास थे वो पूरी तरीके से डैमेज हुए, टूटे और उसके बाद पानी का फ्लो तेजी के साथ बेसमेंट में भरना शुरू हो गया। लेकिन इस पूरे हादसे के लिए आखिर कौन लोग जिम्मेदार है, क्योंकि सड़कों की सफाई और नालों की सफाई नहीं हुई थी, जिसके कारण बेसमेंट के अंदर पानी जो है वो लगातार बढ़ता चला गया। अब तस्वीरें देखें कि किस तरीके से अब पूरा ऑपरेशन जो है वो पानी को निकालने का वो इस बेसमेंट से पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी भी नालों की सफाई जो है वो लगातार यहाँ पर सुपर सकर मशीन के जरिए जो है वो की जा रही है। इंस्टीट्यूट लोहे का गेट टूटा हुआ है, यहाँ पे ये लोहे का गेट लगा हुआ था, पानी जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, सड़क पे पानी था, गाड़ी जब यहाँ से गुजरी उसने पानी के फ्लो को बहुत तेजी के साथ अंदर की तरफ धकेला, तो आप देख सकते हैं लोहे का जो गेट है वो टूट गया। ठीक है ना, लोहे के गेट पर गेट लगा हुआ ना, नहीं टूटा हुआ तो है ये वाला जो गेट है ना, आप गेट के नीचे देखेंगे बड़ी बड़ी सी रेलिंग है, उसके नीचे पूरी लोहे की चादर है, उसने पानी को रोक रखा था। जैसे ये गेट टूटा पानी फ्लो के साथ अंदर गया, ठीक है ना, और मैं चंद मिनटों में अगर कहा जाए तो पानी पूरा इंस्टीट्यूट में भर गया। चादर है ना, वो गेट टूटा हुआ है। एक सेकंड, हाँ, राजेंद्र नगर के जिस इंस्टीट्यूट के अंदर हादसा हुआ जिसमें 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई, दरअसल ये हादसा हुआ कैसे हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लगभग 6:30 बजे के आसपास इस पूरे इलाके में जबरदस्त बारिश हो रही थी। तकरीबन 7 बजे के आसपास दिल्ली फायर को ये कॉल मिली कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर बेसमेंट में पानी जो है वो भरा है और उसमें कई सारे स्टूडेंट जो है वो फंसे हुए हैं। दरअसल ये राजेंद्र नगर का ये पूरा वो मेन रोड है, जहां पर सड़क पर पानी से लबालब ये पूरी सड़क थी और पानी का फ्लो काफी ज्यादा था। जब इस दौरान यहाँ से एक गाड़ी जो है वो गुजरी और इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा वो मेन गेट है, जिस मेन गेट को अगर आप देखेंगे और समझेंगे कि तकरीबन सड़क से इस पूरे पार्किंग एरिया की जो ऊंचाई है वो पूरा जो स्लोप है तकरीबन 2 से 2.5 फीट का है। सवाल यही है कि 2.5 फीट का ये पूरा स्लोप है तो पानी अंदर गया कैसे। ये लोहे का अगर आप दरवाजा देखेंगे और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लोहे की पूरी चादर है, इस चादर ने पानी के फ्लो को रोक रखा था। जब यहाँ से गाड़ी होकर के गुजरी तो उसने पानी के फ्लो को अंदर की तरफ पार्किंग की तरफ धकेला, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोहे का जो गेट है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि लोहे का जो ये गेट था वो पूरी तरीके से टूट गया और पानी का जो फ्लो है वो तेजी के साथ अंदर की तरफ चला गया। और नीचे पार्किंग के जस्ट बेसमेंट है जिसमें तकरीबन 100-150 करीबन बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त तकरीबन यहाँ पर 25 से 30 स्टूडेंट्स मौजूद थे, जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और तकरीबन 11 से 12 स्टूडेंट्स उस वक्त यहाँ पर फंसे हुए थे। जब पानी का फ्लो तेजी के साथ अंदर की तरफ बढ़ रहा था उनको बाहर निकाला गया, लेकिन 3 स्टूडेंट्स पूरी तरीके से फंस गए। 3
जो इसके अंदर स्टूडेंट्स थे उनमें से दो फीमेल स्टूडेंट्स थी और एक मेल स्टूडेंट था। आप ये समझिए कि पानी का फ्लो किस तरीके से तेजी के साथ बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ इस पूरी रोड पर पानी ही पानी जो है वो भरा हुआ था। अभी भी आप देखेंगे तो बड़े स्तर पर जो नाले और सीवर की गाद है वो आपको यहाँ पर सड़क के चारों ओर यहाँ पर आपको नजर आएगी। बड़े बड़े पाइप के जरिए यहाँ पर पानी को जो है वो देर रात तक एनडीआरएफ की टीम और फायर की जो टीम है उनको मशक्कत के बाद जो है वो बाहर निकालना पड़ा। अभी भी जो जितने भी यहाँ पर एमसीडी के नाले हैं वो चौक पड़े हैं, उसको लेकर के कई बार कंप्लेंट्स जो है वो दी गई लेकिन किसी ने भी उस पर एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब ये हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन जो है वो जागा है, बड़ी बड़ी मशीन्स के जरिए यहाँ पर नालों को जो है वो फिलहाल साफ किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आएंगे। आप ये समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा ये गंदगी है और ये गंदगी ने इस पूरे नाले को जो है वो चौक कर दिया। अभी भी ये नाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये नाला चौक नजर आएगा और इसके बाद अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आगे की तरफ बड़ी बड़ी मशीनरीज के जरिए नाले को खोलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं कि नाले का ये जो सीवर है वो पूरी तरह से यहाँ पर इसमें गाद जो है वो जमी हुई है, बड़ी बड़ी पॉलिथीन्स हैं, कूड़ा कचरा जो है वो अंदर की तरफ फंसा हुआ है, उसको अब बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, सफाई की जा रही है। अगर ये सफाई लगभग 15 से 20 दिन पहले मानसून के आने से पहले की गई होती तो शायद ये दर्दनाक हादसा नहीं होता, 3 IAS स्टूडेंट्स की जान नहीं जाती। और ये पूरा अगर आप देखेंगे तो नाला पूरी तरीके से चौक है। अब इसको पूरी तरीके से क्लीन करने की कोशिश जो है वो MCD की टीम जो है वो कर रही है, जिसके कारण ये पूरा पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर जो है वो बढ़ता चला गया और स्टूडेंट्स की जान